हेलो गाइस आज का वीडियो होगा हमारा डिस्क्राइब आ, जो आय स्पीकिंग टेस्ट में क्यू कार्ड पूछे जाते हैं क्यू कार्ड आज के वीडियो में क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सा चाइल्ड बिहेविंग बैडली इन अ पब्लिक प्लेस ये कैसे आपको बताना होता है इसमें क्यूज क्या होते हैं जैसे कि इसके क्यूज हैं व्हाट इट वॉज क्या था वट चिल्ड्रन वर डूइंग बच्चे क्या कर रहे थे नेक्स्ट है का, how others to it. Uh, जो वहां पर लोग थे उनका उनके प्रति क्या रिएक्ट था एक्सप्रेशन क्या थे नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट की फील किया फील किया इसका सैंपल आंसर हम शुरू करते हैं uh, जनरली अपा जनरली uh, हम इसको शुरू करते हैं इससे इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल फॉर टॉडलर्स और और आप प्री स्कूल टू वी क्रैंकी हम टॉडलर बच टॉडलर होते हैं जो ए, एक लिमिटेड एज होती है उनकी उसमें बच्चे थोड़े से क्रैंकी होते हैं चिड़चिड़े होते हैं नेक्स्ट हाउर इट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू एनकलकेट सम बेसिक मैनर्स इन अ चाइल्ड इन देयर चाइल्ड चिल्ड्रन विद टेंट्रम समाइम्स बिकम द रीजन ऑफ इम्बरेसमेंट फॉर देयर पेरेंट्स बच्चे उनके लिए कभी कभी इम्बरेसमेंट का कारण मान जाते हैं पेरेंट्स के लिए देयर आर मेनी इंसिडेंट वेन आई विगनेस्ट चिल्ड्रन बिहेविंग बैडली इन अ पब्लिक इन पब्लिक प्लेस मैं भी इस घटना का काफी बार गवा रहा हूँ उससे कि चिल्ड्रन बेहेव बैठ कर रहे थे पब्लिक प्लेस पर हेयर आई वुड लाइक टू टाक अबाउट वन ऑफ दोज इंसिडेंट विच हैपन्ड फाइव मंथ्स गो ए मैं आज उस समय की बात करना कर रहा हूँ जो कि पाँच पाँच महीने पहले हैपन हुआ था इंसिडेंट उसकी बात करने जा रहा हूँ बिफोर दिस पेंडेमिक इस पेंडेमिक से पहले आई जूज टू जूज टू हैव डिनर विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वंस इन अ वीक मैं अक्सर जानता सी डिनर अक्सर जाता था डिनर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ और रेलेटिव के साथ आई विडली रिमेंबर थ्री मंथ्स अगो आई वेंट टू आ रेस्टोरेंट विच विच इज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस जेडा के मेरे हाउस के बिल्कुल नियर था स्टोन्स थ्रो अवे एक फ्रेज uh, फ्रेज आपको इसको यूज करना होता है एक, uh, आपको पास की चीजों के लिए यूज करना होता है इन अ रेस्टोरेंट देअर वॉज वन लेडी विद देयर टू चिल्ड्रन देर आर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचंचित इसका मीन्स होता है अचंचित किड्स बिकम अग्रेसिव अग्रेसिव हो गया उनका एक बच्चा वो अग्रेसिव हो हो चुका था ही माइट हैव हिज फेवरेट है आवर ऑर्डर वॉज रेडी बिफोर द आइटम्स when uh, he saw that uh, he came towards me and took my took my bag and uh, started eating it. it was astonished, astonished, means, uh, astonished, uh, surprise, surprise, ganibali haran karnevala, it was astonished as their parents didn't tell a single word to his son. उनके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा उसको इसके लिए उसके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा और इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय स्टॉपिंग देयर चाइल्ड दैट लेडी स्टार्टेड गिविंग मी एडवाइस दैट लेडी स्टार्टेड गिविंग एडवाइस टू मी दैट आई शुड हैव बिकम केयरफुल अबाउट माई फूड एंड ऑल दैट मैनू उन उनको डांटने की बजाय वो लेडी मुझे सलाह देने लगी कि मैं मुझे केयरफुल होना चाहिए मेरे फूड के प्रति और और सब चीजों के लिए इट वाज सीरियसली अनएक्सपेक्टेबल ये एक सीरियस अनएक्सपेक्टेबल सी सिचुएशन था वेन आई स्टॉप हिम जब मैंने उनको रोका ही स्टार्ट क्राइंग एंड थ्रू माई फूड ऑन द फ्लोर वो रोने लगा और मेरा जो फूड था उसने फर्श पर फेंक दिया एवरीबडी इन द रेस्टोरेंट वॉज अनॉयड बिकॉज बिकॉज़ ऑफ दैट चाइल्ड सर सभी निराश थे उस uh, बच्चे के लिए दे वर डिस्कसिंग द दबल बिहेवियर ऑफ दैट किड एंड द दैट लेडी

अडलसेंस जब अडलसेंस रीच करते में पहुँच जाते हैं इट वुड बी आर लॉट टफो ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू टर्न दैट शिप अराउंड वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है आफ्टर दैट इंसिडेंट इस इंसिडेंट के बाद वी लेफ्ट दैट रेस्टोरेंट हमने वो रेस्टोरेंट से चले गए विदाउट हैविंग आ प्रपर डिनर बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू स्पॉय माई मूड further, फर्दर further uh, of that mannerless kid किड oh, वो बच्चे के लिए मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था अब हम जो जूस की थी ईडीएम जूस के थे उसके हम कुछ मतलब बता देते हैं टॉडलर्स होते हैं आ चाइल्ड बिटवीन एज तो वन टू थ्री जिन बच्चों की उम्र एक साल से तीन साल होती है वो टॉटलर होते हैं नेक्स्ट आगे प्रीस्कूलर, प्रीस्कूलर एज होती है चाइल्ड ऑफ एज फोर जब हम बच्चे को स्कूल में डाल देते तब उनको प्रीस्कूलर बोला जाता है क्रैंकी इरिटेबल, क्रैंकी इरिटेबल होता है वो चिट चढ़ाया जाए इरिटेबल टेंट्रम होता है एन अनकंट्रोल्ड आउट ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन एक अनकंट्रोल आउटवास्ट होता है एंगर गुस्से का और और फ्रस्ट्रेशन का टिपिकली इन जंग चाइल्ड जो जब हमने एक जंग चाइल्ड की बात करनी होती है वो गुस्से गुस्सा होता है फ्रस्ट्रेशन होता है उसको तो उसको हम पेंट्रम बोलते हैं नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड देन एवरी नाउ एंड देन मतलब मतलब होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम नाउ एंड देन भी आपकी बात करें जहाँ आगे की बात करें वो सब एक बराबर होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम नेक्स्ट होता है मोर ऑफन देन नॉट मोर ऑफन देन नॉट का मतलब होता है कॉमनली यूजली अक्सर होता है जो मोर ऑफन देन नॉट जो अक्सर होता है आउट ऑफ द ब्लू मून सडनली अचनचेत वो होता है इसका मतलब आउट ऑफ द ब्लू एस्टोनिश होता है सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड होता है एक्टिकेट्स होता है मैनर एक्टिकेट्स मैनर होता है इनकलकेट मतलब होता है उसमें कुछ बच्चे में कुछ अच्छी मॉरल वैल्यू बनना वर्ड समथिंग इन का मतलब होता है कटेल समथिंग एट एन अर्ली अर्ली स्टेज कुछ अर्ली जल्द जल्दी अर्ली स्टेज मतलब छोटी उम्र में कुछ कटेल uh, समथिंग ऐसा कुछ होता है कटल कप नेक्स्ट टर्न द शिप अराउंड टर्न द शिप अराउंड मतलब टर्न द डायरेक्शन बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे की एज ज्यादा हो जाती है सो so, आज के वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे लेकिन जो मेरे फास्ट वीडियो आ रहे हैं सो इसके लिए मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता सो so, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयल्स प्रेपरेशन के लिए नॉलेज लेकर आते रहेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में